आओ मालिक आओ, की गल खैर सी एनी देर नाल पहुंचे हो? मर जाने दिया पुत्रा, कितना ध्यान है तेरा, ऐडा कीमती गुलदान तोड़ती सही। मालिक माफ कर देना मेरे पुत्र ना। मां अबे दी तबीयत खराब हो गई है, खेती नाल घर चल। अच्छा तो ये चलने हैं। ओ कोई गल नहीं माई, गुलदान टुटन वाली शायद सी, ते टुटन वाली शायद टुट जाती है। नाले मैं कभी टुटन वाली शायद अफसोस नहीं किया, तू भी ना करी। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, तुसी मेरे पुत्र नु माफ कर दिता है, हुण जा सके। चला दिए चलिए। तीनू कुड़ी इस माई दी धी है? आहो मालिक, ना सोनी छोटी जिनी सी, कितनी छेती जवान हो गई है। अचानक तबीयत खराब हो गई सी, खांसी का शदीद दौरा पै गया, दवाई पीती तो ठीक हो गया। वहां तेनाले इन्नी देर क्यों ला दी जनते? मालकन के मरण तो बाद भरा पहली बारी हवेली च आया सी, खान पीन का बंदोबस्त करना सी, इसलिए देर हो गई। नाले मैं सुनिया चलते तेरी मालकन का भरा बहुत बुरा आदमी है। ऐ हुई तो मैं हैरान हाँ बख्शू दे अब्बा, मालकन जिस भरा हमेशा शैतान समझती रही है, वह तो फरिश्तिया वर्गा है, इंसाना नाल भी प्यार करता है ते जानवरां नाल भी। तेनू लैके मेरे तक आन, हुण तेनू कुत्ते नहीं मैं वटांगा। ऐ की कह रहे हैं मालिक? हेलो मालिक बंदूक। नहीं दिनू, आज का शिकार बगैर बंदूक नहीं हो गया, तो इस तरह कर कुत्ते लेके मेरे मगर घर आ जा। चंगा मालिक। Yeah.
शौकत है यह सब कुछ की है भैन जी यह तुहाडी धी दी लाश है तुसी ये दसो भैन जी तुहाडे किसे कोई दुश्मनी तो नहीं सी साडे गरीबा की दुश्मनी ते असला तो खुरबत ना ले साडे किसे नाल कोई दुश्मनी नहीं कोई दुश्मनी नहीं कोई दुश्मनी जे तुहानू किसे ते कोई शक होए ते सानू दसो भैणा फिर तुसी वेखना किवें हिसाब लैंदे हो कलो जुलम दा हिसाब जरूर होएगा पर असी नहीं लांगे पुलिस लेगी वालेकुम सलाम असि लुटे गए बर्बाद हो गए मेरी गुड्डा नु किसी ने मार दिता वाले तुसी ये दसो तुहाडा जुलम किने कीता मैं उन्हें वेख्या तो नहीं पर मेरी भैन की मैनू बचाओ बचाओ की आवाजा आ रही सन मैं समझिया कि मैं पहले वागू मजाक करनी पी है तू ये आवाज सुन के एदा पता क्यों नहीं किया तेनू की पता हो साड़ी धी का कातिल कौन हो सकता कदी कदी सज्जन नजर आने वाले भी दुश्मनी का वार कर रहे जनते क्यों दिलू थानेदार साहब तुसी लाश का पोस्टमार्टम करो झूठ सच सामने आ जाएगा नहीं मालिक नहीं जो होना सी हो गया असी लाश थी बेहुरमती नहीं करानी अल्लाह का माल से वापस ले लिया उसे ठीक है मैंने तुहाडे जज्बात का एहसास है तुसी इस बदनसीब के कफन दफन की तैयारी करो खर्चा सारा मैं दिया जे कतल हुई है तो यकीन रखो ये कातल पुलिस के हाथों बच नहीं सकेंगे आओ भाई तैखाने बंद कर दो ठीक है मालिक मेरा कसूर की है मालिक कसूर तेरा कसूर है दिनो के माई जनते दी ती दी लाश ते खलो के गवाही देन लग्या तेरे चेहरे का रंग बदल गया सी एडा वड्डा जुर्म तो नहीं सी कीता मालिक जिड्डी वड्डी सजा दे रहे हो जे असी तैनू इस जुर्म की सजा ना दिती ते तू सानू फांसी दे तख्ते ते पहुंचा देना सी याद रखी जाबर खान हट खुदा दा बैर हों दई बकवास ना कर लै जानू लै जमा मैं उधर तक पिंड छके नहीं जाना जदों तक मैं अपनी भैन की मौत का राज नहीं लभ लैंदा सुन जो क्या तेनू किवें समझाइए कभी किस्मत जिंदगी इन्नी लिखी हुई थी हम किसी ने मारिया पुत्रा किसी ने नहीं मारिया मैं किए मर लवा मां और जो चीकों की आवाज हाले भी मेरे कन्ना में कुछ भी पई है और तू की नवीं पुजारता पा रहा पुत्र जब पुलिस ते पिंड के सियाने ने फैसला दे दिता है क्यों डिग के मरी है ते तू कल्ला सारे नु किस तरह झूठा कर सकना है नहीं अपा मैं अपनी भैन की मौत का राज तोड़ न पाऊंगा अगली रुक तू मर गया
चाचे दिनों नू मेरी भैन दे कातल दा पता है। Thank you.
66 के थी अगले जान तेरा थे की कम चल तो भी अगले जान से ट्रेस दब दो सारी जिंदगी इन लगती रहेगी मेरी सोनिया रवा जे मेरा पुत्र किसी मुश्किल तेन वास्ता ही मुश्किल कुछ आदा मेरे बख्शू दिया मुश्किल आसान कर दे परवरदिगार तेन वास्ता ही काली कमली वाले दा मेरे बख्शू ते अपनी रहमत दा साया रखी सारी कायनात दे मालिक हजरत बीबी फातिमा दे सदके च मैंने मेरा बिछड़े होया पुत्र मिला दे मालिक पुत्र मिला दे मालिक पुत्र मिला दे तेरी जान बचाने वाला मैं कौन होना वा तेरी मां दिया दुआवां ने बचाई है मां कबर तरस दिया कंधा सिर्फ मां दिया हावां ही हिला सकदियां ने मैनू दस तैनू मारन वाला कौन है एक ऐसा जालिम बाबा जी जिन्ने मेरी भैन की इज्जत लुटी जिन्हें बेगुना चाचे दिल नू कतल कर दिता बाबा जी मैं छोटा जरूर हाँ पर कम बड़े बड़े वड्डे करना चाहना वा सालम दे सामने सीना तान के खिलौना चाहना वा पैणा दी इज्जत लुटन वाले डाकू मुकाना चाहना वा तेरा ना की है बख्शू ये सोच रखन वाला सिर्फ बख्शू हो सकता है तेरिया गल्ला सुन के साडा जी करता है तैनू एक साथी दिए ओ साथी कौन है फड़ साडे वालों तोहफा जरा पीर बिगड़िया टिगड़िया का ये तेरी हर मुश्किल च मदद करेगा हूं अपनी ताकत ते इहदी मदद नाल हर बुराई का खात्मा कर सकना है अच्छा रब रब ठीक है बुजुर्गों
आज तो बाद में पक्षु नहीं, बोला पक्षा, बोला पक्ष। तू हाली जिंदा है? ओए, मैं तो बच गया वा, पर आज तोनू मेरे तो कोई नहीं बचा सकता। पक्षु, तू? पक्षु नहीं है, मैं पक्षा। पागल मुंडे ने मेरे बंदे भी मारते ने ते मेरे कुत्ते भी, इनू गिरफ्तार कर लो। इहदा पिछा करो। बक्सु, तुम इतने घबराए हो क्यों? यार लाडले, मेरे पीछे पुलिस लगी है। पुलिस? क्या किया तुमने? यार सब कुछ दसन का वेला नहीं, तू मेरी अमानत अपने को रख के मैं किसी वेले भी आके तेरे को ले लांगा। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी ये अमानत अपने सीने से लगाकर रखूंगा। खबरदार है, जनाबे अली, असी जरा बक्सु मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ मिल लो। बक्सु पुत्र, असी तेरे लिए बड़ी दौड़ भज की है, पर हूं कुछ नहीं हो सकता। उस जालम जाफर खान का वार तेरे ते चल गया है, हूं तो सिर्फ सिर्फ अदालत ही तेरे ते रहम खा सकती है। कोई गल नहीं चाचा, मैं फाइल लग गया, बच्चा नानू नहीं देंगा।
ਉਹ ਕਿਸਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇਗਾ ਲੈ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭੋ लग गई है कोई कैसे लग गई है आज जाबिर खान ये बताओ कि तुम बख्शू को कब से जानते हो कुछ दिनों तो जनाब चलो अपनी बहन दे मरण दे बाद मैं अपनी पहाड़ वाली हवेली गया ते मैनू उथे पता लगा कि मेरे नौकरा ची केदी बहन भी है जड़ी बड़ी बदकार ते बचन सी जनाब जाबिर खान क्यों बख्शू जाबिर खान ठीक है बोलो नहीं बबीर साहब तीनों नु भी इन्हें कदर किया है ते मेरी भैन की इज्जत भी नहीं लुटी है मैं सच कह रहा हूं चाचा साहब क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे को एक कैसेट है जनाबे वाला जड़ी मनु तीनों चाचे ने दी थी वो कैसेट किसके पास है अदालत में बैठे हैं चाचे हाकम शौकत ते चाचे रमजान ने कर दे के चाचियों पेश करो तुम जा सकते हो तुम तीनों के कटहरे में आकर अपना बयान दो हाँ भाई कहाँ है वो कैसेट कैसेट हाँ केड़ी कैसेट चाचियो केड़ी कैसेट में तुहानू दसी सी और अदालत नू पेश करो अदालत नू पेश करिए की पेश करिए भाई अगर तुम्हारे पास की कैसेट है तो अदालत में पेश करो पता नहीं एक केड़ी कैसेट की गल कर रहे साहब जी साढ़े कोल वजान वाले टेप ही नहीं असि कैसेट की करनी है साहब बहादुर असि तेनों मजलूम समझ के एदी मदद करना चाहते सा पर ए ते सानू ही फसा रहे है चाचा साहब ए झूठ बोलते ने कैसे कदों बोलिए आपका वास्ते चाचियो ओ कैसे दे दियो नहीं ते जन्म बच जाएगा जी जय साहब असि कुरान दी कसम खा के कह रहे हां के सारे कोल कोई कैसर नहीं आप लोग जा सकते हैं गवाहों के बयानात और हालातों वाकयात का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजा पर पहुंची है के मुल्जम बख्शू मुजरिम है और सजा का मुस्तहिक है लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है 14 साल याद रखी जाबिर खान 14 साल तक कर देना मैं अपने पुत्र नु थाने छोने फोन करनी है हेलो कौन मैं डीएसपी तारिक दी अम्मी बोल रही हूं माजी तारिक किथे वे ओ जी बात करो नहीं थोड़ी देर तक आना जी कपड़े ऐ तेरिया किताबां ऐ तेरी फीस ऐ तेरा जेब खर्च की गल तू रो क्यों रही बाजी तू मेरे वास्ते इतना कुछ करनी है साड़ी मां भी जिंदा आंदी
शायद वो भी ना कर दी। बाजी मैं इंज लगता तू मेरी जिंदगी संवार अपनी जिंदगी दा ते ला देंगी। चुप, फिर तू रोना शुरू करता है। तेरा काम है पढ़ना, यह सोचना मेरा काम है कि मैं की करना ते किदे लई करना। अजे ते मैं तेरा ब्याह भी करना है। गल सुन बाजी, मैं तेरिया सारिया गल्ला मनांगी पर यह गल बिल्कुल नहीं मनांगी। पहले तेरा ब्याह होगा फिर मेरा, यह मेरा तो फैसला। अच्छा बाबा नाराज ना हो, चल एक मिठी दे। अच्छा मैं हूं चलनी हाँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई गल नहीं बाजी, मेरे इम्तिहान खत्म हो लें फिर मैं तेरिया सारिया ड्यूटियां खत्म कर देवा। आज तुम्हारी सजा के 14 साल पूरे हो गए मौला बख्श। 14 साल जेल की इन तारीखियों में गुजारने के बाद तुम्हारे अंदर का वो वैशी इंसान मर गया होगा जिसने तुम्हें कातिल बना दिया था। मेरी तुम्हें नसीहत है कि अपनी जिंदगी को इंसानियत के रास्ते पर चलाने की कोशिश करना मौला बख्श। लगता है इसके अंदर का इंतकाम अभी ठंडा नहीं हुआ। पूरे 14 साल की जेल कट के आया वहां पहना यह ना 14 साल ची कड़ी भी एको जी नहीं लंघी जिदे च मैं तेरे कातल याद ना किया होए। मैनू कसम है तेरी और मैं अपनी मां प्यो ते प्राण उदो तिकर नहीं मिलांगा जब तक मैं जाफर खान झूठे गुआवां दुनिया को मुका नहीं लेंदा। छोगे जरा बुजदिली का निशान सजा के आए और उन्होंने साढ़े लिए जीन का कोई हक नहीं। ठहर जाओ, ये
साढ़े लिए बड़े बड़े काम किए ने। अपनी पहली शिकस्त पहली गलती से माफी के हकदार ने। पर याद रखो, माफी के बाद जिंदगी इस शर्त मिलेगी कि मैनू वो बंदा इस धरती से जिंदा नहीं चाहिए जिन्हें थोड़े को स्थानीय सलामत ने किसी भैन की इज्जत दाग नहीं पै सकता। हम तुम सारे अपने दिल चो डर खौफ काट दो। कोई बदमाश भी हम मेरी भैन वाल अख चुक के नहीं देख सकता। कहीं तेरे कत्ल की लकीर मेरी अकेली पर तो नहीं। बेटे, ऐसा लगता है कि जैसे तेरा इस दुनिया में दाना पानी खत्म हो चुका है। तुझे पता नहीं, तेरे सामने आज इस इलाके का सबसे बड़ा बदमाश मौला बख्श खड़ा है। अब ये क्या हमला करता है? बाप अपने का है तो यही खड़े रहना। मैं तुझे अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं। नहीं जानते, ये है मेरे नाना हजूर, इनका नाम है मौला बख्श। अबे सुअर, तू भी मेरा साथ छोड़ गया? लाडले है, ये मेरा नाम कैसे जानता है? ओ यार बात सुन, लाडला तो यहां से 500 किलो दूर अपने गांव में है। तू कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? अरे बदबख्ता, वक्त ने सारिया सूरतां ते बदल दितिया ने। पर जड़ी अमानत में तेरे को रख के गया सा, ओ नहीं बदली। अमानत कहीं? तू मैं तेरा यार बख्शू हां। बख्शू? मेरा यार बख्शू कहां था? मेरे यार बख्शू, मैं भी कहूं कि मुझे चिप डालने वाला कौन हो सकता है? खैर छोड़ इन बातों को। ऐ बस्ती वालों, गौर से सुन लो, असल मौला बख्श तुम्हारे सामने खड़ा है और नकल मैं था। आज से ये मेरा उस्ताद है और मैं इसका शागिर्द। सलाम सुल्तानी साहबा। शनाज कोई तगड़ी सामी लगती है। खतरे की घंटी। लाडले, ए कुड़ी कौन है जिन्हें मनु अख मारी है? ओ उस्ताद, किस मुसीबत में पड़ने लगे हो? एक्सीलेटर दबाओ, निकल चलो। ये तो डैन है, इससे सारा इलाका पनाह मांगता है। Thank you.
हसीना की अताओं पर मत जाओ, ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही नागन है। इस बाजार रोकन टोकन वाला कोई नहीं उस्ताद? जिसने इसको रोकने की कोशिश की है वो जलीलो ख्वार हो गया, बर्बाद हो गया। लड़ने तो ऐसे ही बैठ ते मैं होने आना। उस्ताद ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी नीयत बदल गई है। बकना है चलेगा और आया कर लेंगे। चल फिर ठीक है, आ जा मेरे पीछे पीछे। ऐ मेरे परवरदिगार, मौला बख्श की इज्जत इस चुड़ैल के हाथों महफूज ही रखना। आओ आओ तशरीफ ले आओ, बैठो। की पियोगे, ठंडा या गरम? सब कुछ पीवांगा। कुछ खाओगे भी? आहो तैनू खावांगा। ऐसे मैंने कोई पागल लगता है, खान जोगा छड़ांगी ते खाएगा जानी। अच्छा अच्छा मैं जरा खान पीन का आर्डर दे आवा। फोर टू जीरो। हेलो इंटरकॉम, हाँ हाँ खेती कर दिया। ओके कहते ने छेत्र कबाब, ये उदो तक नहीं और रुकेगा जब तक के तू ऐसे इलाके च वारदाता करनिया नहीं छेंगी। आगे बढ़ाने की कोशिश की तो हड्डियां चकना चूर कर दूंगा। मैंने माफ कर दो पहलवान जी, मेरी तौबा, आज तो मैं सारे काम छड़े, मेरे प्यो की तौबा। ए माफी तेनू बड़े बाजार चल के ते मंगनी पवेगी। ए गल ते ऐसे कमरे च मुक जावे ते चंगी गल है पहलवान जी। नहीं तो ऐसी कोई गल नहीं, मैं कुड़े बड़े मुंह फट गई हां। एदा मतलब है कि और तेरे ते छित्रा की बारिश करनी पवेगी। खुदा ना वास्ते वीर साहब सानू माफ कर दे, और मेरे प्यो की तौबा, औरत की कमाई की मैं उन्हें अपनी कमाई खुआ देंगा। वीर साहब और खुदा दे वास्ते मैं दुकान पर जान दे, मेरे कारीगर सारी मिठाई खा जाएंगे। मैं जान दे हाय, मेरी तौबा, मेरे प्यो की तौबा, मेरे दादे नाने नानी सब की तौबा। मैं माफ कर दो, आइंदा इस इलाके कोई वारदात नहीं करेंगी। इस इलाके च नहीं तू हूं किसी इलाके च भी वारदात नहीं करेंगी। मैं तुम्हारी कसम है, दादी नानी पता नहीं सारे की कसम है, मैं किसी इलाके च कोई वारदात नहीं करेंगी। आए मैं वादा करनी हूं। वादा करने तो पहले एक गल सोच ले कि जदों भी मेरे सामने आएंगी ना दिल लंगड़ी होके आए। मैं मंजूर है। अल्लाह जी अल्लाह, इतने रुकना नहीं, मैं तेन उस बाजार च ले आया वा जिथे तू पैरियां हरकत करती सै। एक गल मेरी याद रखी, जे हुण तू कोई पैरी हरकत की ते मैं तेरिया दोवें लत्तां तोड़ देंगा। दोवें दियां लत्तां तोड़े ना तोड़े, पर अज असीं तेरियां लत्तां जरूर तोड़ांगे। ले आ गए ने मेरे वीर। तेरे ना बेगैरत वीरां नूं पहले भी बेइज्जत कर चुका वां, अज भी करांगा। अज तू नहीं
असी करांगे तेरे टकरे। लत्ता तोड़ देंगा, हूँ आप ही लंगड़ा के चलेगा। अब बंदा है क्या? 104 है। कोई फिक्र ना करो, मेरी उस तानी भैन नू जाके बचाने की कोशिश करो, जे ओ ना रही तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। महाराजा, तुम्हारी भैन उस तानी साहबा मर गई। मैं तेरे से कोई ऐसा वड़ा एहसास नहीं सकी तो कि तू अपने इस वीर तो अपनी जान मार दी है। इसको साथी दाते और कौन सर? ओ सेठ, एसपी ने पुत्र सर। मैं पैरा और मैं तेरी मां का यहां क्या मल पाऊंगा? क्यों नहीं मार बन जाऊंगा? तू हाली जीना? आओ मैं जीना वा। जब आप मौत हो तो मौत किवें मार सकती है? तगड़े हो जाओ, मैं हिसाब लेना है जो उस बेगुनाह मरण वाली उस तानी दा। ओए उस तानी ते ऐसा मार ही दिती है ते और तेनू भी मार देंगे। यो पक पक जेड़ा उस्तानी दा मुहाफ़िज़ बन के साड़ी राह विच आया सी। अच्छा, यो सूरमा
जिन्हें थोड़े नाल मथा लाया सी और नाल देखे मेरी पहचान तेन तेरे पुत्रा ने करा दी है एक पहचान तेन मैं करावांगा चाकत आए तू मेरा पुराना नाम किस तरह जानना है आज दुनिया मैनू एस पी दे नाम तो जानती है जिस नाम मैं आप भूल गया ओनु याद रखने वाला तू कौन है जिनो इंतकाम ने माला पक्ष बना दिता है माला पक्ष मैं 14 साल जेल जिंदगी दिया दुआ मंगता रहा वा दुआ तेरे लिए बस दुआ बन गई ने 14 साल पहले से तू बच गया से आज तेनों मरण तो कोई नहीं बचा सकेगा हल्लानो मैं माफ कर दे बाला बख्शा मैं माफ कर दे नहीं आए माफी तो हम तेन अगले जहान जाके मिलेगी पहुंचो किसी ने मेन रोड
से सेठ शौकत शरबत के कारखाने ने तबाह कर देता है तो उन बड़ी भयानक मौत मार देता है। और शरबत का कारखाना नहीं थी साहब आदर, शराब का थी। सेठ शौकत के कतल होने नाल साढ़े मुआशरे का वजूद एक दुश्मन तो पाक हो गया। तारक एक आड़े सर, उच्चे बाजार वाली फायरिंग के केस में मुलविस है। कुछ लोगों ने सेठ शौकत के कातिल की शराब पी दी कि उन्हें काली से चिट्टी ली काली कमीज पाई। काली से चिट्टी लकीर वाली कमीज तो मैं भी पाई है साहब बहादुर। अपने अफसर को कहो कि सेठ शौकत के कतल का मुद्दा मेरे से पा के अपने घरों का ढेर भर ले। बकवास बंद करो, सबूत तो बगैर किसी भी मुद्दा मुलजमान की लिस्ट शामिल नहीं करना। मेरे लगता है सेठ शौकत के कतल ही देख रहा है। साहब जी रोटी भी बुरकी भी चुकन की ताकत नहीं रही है फ्रेंड, इन्हें की कतल करना। मैं कसम है इस किताब की कि अजय जहा शरीफ नमाजी से परहेजगार मैं आज तक नहीं देखा। चूठी कसम चुक के बेहुरमती की थी। वे तो कल्ला ही मुसलमान नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ। तौबा तौबा, मैं कुरान पाक दी चूठी कसम चुक के काफिर होना थे? हाँ। ऐदे विच ते ऐ उर्दू दी किताबे। तैनु ये ड्रामा करन दी की लोड़ सी? मैं जे ड्रामा ना कर दी ते तो भी कानून कोलो ना बचदा। मैनु बचाण दा तैनु की फायदा है? फायदा मैं तो तेरे को बड़े फायदे लेने ने। तेरे नाल प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। परा मरनी, मैं इन गलों का नहीं पता। मैं तेरा पहनना जानना कि दुश्मन कितना मुकाने ने। जियो शेरा, तेरिया इन गलों ने तो सानू बर्बाद कर दिता। पाजी, किस वैशी से तुम्हारा पाला पड़ गया है? ये क्या जाने प्यार मोहब्बत क्या चीज है? ये सुबह को गंडासियों की यहनी पीता है, दोपहर को दुश्मन मारता है और शाम को थाने में सोता है। प्यार मोहब्बत डिस्कस करना है तो हम ही से करो। बेटी बाहर नहीं आ रहा। मैं भी मौला बख्शा, तू ते तू है पर तेरा डंडा भी कमाल है। जानिए के ताजी, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये लड़की तुम्हारे इश्क में बर्बाद हो चुकी है। जिन्हें बेटे की गल है चाचा, बड़ा परेशान है। परेशानी तो इस गल दी है भतीजे कि सेठ शौकत नूं कतल करने वाला कौन हो सकता है। घबराना चाचा, जिन्हें सेठ शौकत ने कत्ल किया है उसकी मौत मेरे हाथों होगी। तू तू जानना? जानता तो नहीं चाचा, पर उसका नाम सुनिया। की नाम है उस बदबख्त का? उसका नाम मौला बख्श है। मौला बख्श जिन्नी पुत्र, जिन्ना छेती हो सकता है जाबिर खान नु फोन करके सिंगापुर तो बुला लै, क्योंकि तेरे प्यो का भी दुश्मन है। जे वो मेरे प्यो का दुश्मन है तो फिर मजा किया है चाचा कि उन्हें पुलिस गिरफ्तार करे। उन्हें मैं अपने हाथ ही मुका दिया। उन्हें मुकाने का आसान नहीं भतीजे, और तो भी मान नहीं सी जदों बच्चा सी। जान होके इंतकाम की अग बन गया है, साडा एक पहाड़ भी
देख दिता सू। जिमी बेटे जे तू उन्हें अंदर नहीं करवा सकता तो फिर मैं अंदर करवा दे। जे उन्हें शौकत वांगू मेरे वल मुंह कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मैनू नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। चाचा जे उस ताकत नू मैं तेरे पैरों च लिया सुटा तो दस दस फिर मैनू की मनेगा। जाफर खान दवी प्यो जे ये गल तो फिर समझ ले चाचा और तेरे पैरों च आ चुका। उस्ताद ऐसा लगता है कि ये औरत खुदकशी करना चाहती है। की गल है माई, करो लड़के तो नहीं आई जरा खुदकुशी करना चाहनी है। सलाम तुम है पचीजा के रूम में अमराव जाना था। मैं क्या एक ही ड्रामा है? ए ड्रामा नहीं शराफत दे निशान है। आज तुमने फैसला किया है कि हुन मैं पर्दा करना है। हां गल होई ना और मुकम्मल औरत भी तो लगी है ना। ये शर्मो हया ही असल में औरत का जेवर होता है। अब तुम खुद ही सोचो हीर की फुफी लग रही हो कहीं ये जेवर चोरी के तो नहीं। मैं तेरी बड़ी मशकूर हूं कि तू मैंने नेकी दराव खाया। तेरी गड़बड़ हो गई है। की होया? मेरा कार दिल नहीं लगता। तो फिर चिड़ियाघर चली जाओ किसी बंदर से रोमांच कर लो। इस गंडासे से जरूर करना है। जाना है कि ला जुती। अच्छा बाजी जा रहा हूँ। मैं चाहनी हूँ कि तेरी एक तस्वीर मिल जावे और मैं सारा दिन अखा के सामने रख के तकदी रवा। मैं तस्वीर तस्वीर कोई नहीं देनी। मैं तेरिया कि गल् मनिया ने तू मेरी गल नहीं मन सकता। मिर्जा साहब और एक ही और दर्द। मिर्जा साहब बस ऐसे ही काम थी। अस्सलाम वालेकुम। और खाना खराब है तस्वीर को किधर गलत इस्तेमाल ना करी। जरा नक का पीन है पर तेरे नाल बड़ा जचद है। तेरी शादी की खुशी तो मैं बड़ी हुई है पर अफसोस है इस गल का तू मैंने अपनी शादी से बुलाया क्यों नहीं। दरअसल शादी बड़ी एमरजेंसी च हुई इसलिए कि तेरे पैजन कोई जा रहे सा टाइम थोड़ा सी इसलिए तेन तलाई त्या बगैर सारा काम करना पै गया। मैं ओदी इज्जत कदी भी ना मनती जे मैंने तेरा ख्याल ना आता कि जब तक मैं ब्याह नहीं करा तू अपने ब्याह लिए हाँ नहीं करेंगी। चलो तेरी जिद पूरी हो गई हूँ तेरे इम्तहान तो बाद मैं फौरन तेरी शादी कर देंगी। इसलिए अज तो बाद मैं तेरा रिश्ता लभना शुरू कर दिता है। नहीं बाजी। क्यों? तुम मेरे लिए रिश्ता लभन की कोई जरूरत नहीं। ऐ की कह रही है? इसलिए कि मैं भी अपने लिए एक रेडीमेड रिश्ता लभ लिता। कौन है वो कितने रहता है? मैं फौरन उसे ना मिला। मैं तुम बड़ी छेती उसके घर ले जावांगी। तुसी बैठो मैं बेगम साहबा नूं इतला करना वा। शाजिया घर से बड़ा ठीक ठाक है लगता कोई तगड़ी सामी है। क्या है बाजी? आए आए एकदम टिड्डे च वट जा फिर गया सी। ए तस्वीर कितनी है शाजिया? एह ते तारक है ताड़ा होने वाला पनवैया। क्यों है जे? आए दूजा वट शाजिया वालेकुम असलाम। पैने मेरी बाजी। अच्छा अच्छा ए तेरी बड़ी पैने बैठो बैठो। तारक भी बस सुने आंदा ही होवेगा। बड़ी बड़ी उम्र है वो आई गया है।
लाइयो। चुप कर जाओ, पेट का दर्द अखन जागे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम जी। पाजी, तारक ने तुम सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा जी। लो बेटा, तुसी हुण गल्लां करो, मैं तेरे लिए चाह दा इंतजाम करनी। लगता है मैं तुहानू पहले भी किधरे वेख्या है। जी जरूर वेख्या होना है। दरअसल मेरी शक्ल जीना लोलो बलजीदा नाल बड़ी मिलती है। आई एम सॉरी जी, मैं कभी फिल्म नहीं वेखी। बाजी तुहानू आना पसीना पा रहा है। खबरे की गल है, हालांकि इन्हों का एयरकंडीशन नहीं चल रहा है, पर पता नहीं क्यों मैं वाडा पसीना आ रहा है। बेटा जी तुसी जरा माइंड ना करना, दरअसल एडे भाईजान ने मैंने बड़ा ही सोल बढ़ाता। देखो ना, दरअसल मेरे ते बेडरूम में एयरकंडीशन, मेरे ते बाथरूम में एयरकंडीशन, होर ते होर मेरे किचन में एयरकंडीशन। साडा तो सारा बाहर निकलना ही नहीं होता। और जरा खान पीन वाला चाहिए, साडा एक फ्रिज खोलो ते गरम गरम मलाई काट के खा लो, दूसरी फ्रिज खोलो ते गरम गरम यखनी काट के पी लो। होर ते होर गैस वाले चूल्हे ते असी कई बार आइसक्रीम गरम करके भी खाधी है। शाजियाबाद फिर तो शुरू हो गया, ऐसे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। चल चलिए। ऐ किस तरह हो सकता है कि तुसी लोग कुछ खान पीन तो बगैर ही चलिया जाओ। माँ जी ऐसे में खान पीन की पोजीशन नहीं है, असी तो बड़ा खुशी खुशी तुम्हें मिलना है सा, पर अचानक तबीयत पे ऐसा अटैक होया कि बैठा मुहाल हो गया। अच्छा इजाजत दो, असी फिर आवेंगे। अच्छा जिस तरह ताकि खुशी। सारे कहना ना अपनी गड्डी छड़ आ। नहीं बेटा जी नहीं, तुसी तकलीफ ना करो, बाहर साड़ी मर्सिडीज खलोती है, असी आप ही चले जावांगे। अच्छा माँ जी बाकी गल्लां शाजिया दे भाईजान दे आने तो बाद होणगीआं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तारिक बेटे इहदा खावन की करदा है? हाली तक ते सिर्फ ये पता लगा है कि इहदा खावन कुवैत च कोई बिजनेस करदा है। लुट्टी गई, बचाओ बचाओ। कुछ कहना चाहते हो? ओ बाजी समाधान, मौला पर के होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। आओ मेरे साथ। चलो भाई जा, पर देख ले और दूसरा मैंने कुछ कहने में। ओए तेरे जे मौला बख्श, मेरे कोलों ते अपनिया जिंदगी बख्शवांदे ने, चाचा तेरे कोलों ऐवें ही लुकदा फिरदा सी। वाह भतीजे वाह, जो कहने करके वखाने। आखिर तेन तकदीर केर के मेरे सामने ले आइए, जिस तरह मैं तेरे साथी शौकत नु कतल किया ऐसे तरह तेनू सारे नु कतल करांगा। जिस तरह ने साढ़े यार शौकत नु बेदर्दी नाल मारिया सी, उसी तरह सी वी नु तरफा तरफा के मारेंगे, तरफा तरफा के मारेंगे। ले फिर चाचा, एदी मौत का तमाशा मैं तेरे हाथों वेखांगा। मैं एक एक बोटी करके कुत्ते आगे पा देगा।
मशीन चलाए। जिनी देर मौला बख्श गिरफ्तार नहीं हो जाता उन्नी देर तुम थाने च रहोगे। मैं एक अदालत से ही 101 अदालत से बयान देने लिए तैयार हूं और गवाही की कोई लोड़ नहीं हाकम। सिर्फ इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ यह हुई है कि तेनु चारों मार दिता जाएगा। जाबर खान बोल रहे जी। जी मैं दोनों मुलाजम बोल रहे जी। जिमी की हालत कैसी है? और सर बड़े शरीर जख्मी है सर। डॉक्टर ने क्या क्यों नहीं बचना? बहुत मुश्किल है सर। और नहीं मेरे पुत्र की जिंदगी बचाने ली मेरी सारी दौलत खर्च कर दो।
नाले मैं भी पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ठीक है सर। लारे गामो और मारा वक्त कम वक्त तू मेरा दोस्त है जिमी ते मैं किवें मन लवा कि तू अपने उत्ते हमला करने वाले नु पहचानदा नहीं। तू जरूर मेरे को कुछ लुका रहा है। तेनों कानून की ताकत ते भरोसा नहीं या हमला करने वाले की दहशत ने तेरी जुबान बंद कर दी थी। ऐ जुबान मैं बग जिते डिप्टी साहब पुलिस ते कोर्ट तक हो जाते हैं जेड़े आप फैसला करने की जरूरत ते अमल करने की ताकत ना रखते हो। सानू पुलिस की हमदर्दी ते कानून की मर्जी कोई लोड़ नहीं। तुसी जाओ बेटा जी जाके आराम करो। पुलिस तो बड़ी जल्दी इस अस्पताल के मर्दखाने उस मुजरम की लाश पहुंचने की इतला मिल जाएगी। अंकल जोशी चाह के कोई गलत फैसला ना कर लेना। फैसला हो चुका है डिप्टी साहब। हाँ मेरे सीने ठंड उदो पवेगी जदों मेरे पुत्र नु फट लाने वाले दुश्मन के खून की तार सिद्धि मेरे सीने ते आवेगी। पहलवान जी आपको कोई मेम बुला रही है। पहचान तुसी तो कुवैत गए थे वापस कब आए हैं? कुवैत मौला बस तुम्हारा वहां तेल निकलता है। तू चुप कर दे। कौन है तू? मैं शाजिया साड़ी साली। वाह वाह बाजी की पसंद की दात देनी ब्याह तो तुम एमरजेंसी की कार ही लिता पर हूं तू जुत्ती लुकाए दूध प्याई तो देना पड़ेगा। पहलवान इनको स्कूटर ले दो। तू चुप कर दे। पाजन बाजी कितने ने तेन गलत फहमी हुई है कुड़िए मैं ओ नहीं जो तू समझ रही है। बाजी वाह तुसी क्यों नहीं मैं तो सबूत भी ना ले सकनी ऐ देखो है देख लिया फोटो बनवाने का नतीजा उस वक्त तो बड़े रजेश कन्ना बने हुए थे। ए, सारा ड्रामा सी केड़िया फोटो च पै गए पाजन? कुछ नहीं बस मैं फिर कभी तेन मिलना आवांगा। मैं तो नया मैं नहीं जान देना। पहले दोस्तों बाजी कितने? वो कुवैत में ऊंट पर बैठकर सैर कर रही है। तू फिर बोले? अच्छा अब नहीं बोलूंगा। उन्हें जरूरी काम सी तो रह गई है अभी दोनों फिर कभी आवेंगे तेरे को। अच्छा मैं तस्वीर ना ले जा रहा वहां फ्रेम करवा के तेन दे जाएंगा। ठीक है पाजन। वाह बाजी की सिलेक्शन अच्छी है। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? बड़ा चंगा। देख लो तुम्हारे हुक्म के मुताबिक वो तुम वेख दे मैं लंगड़ा के चलना शुरू कर दिनी हूं। बड़ा चंगा कर दी है बड़ा ही अच्छा कर दी है। मैं क्या जी लग गड्डी से बैठो। मैं हाँ मैं क्या खैर है बड़ी प्यार करने वाली जगह पे लेके आए हैं। जगह ते वाकई प्यार करने वाली है। जरा तले पे आ। ऐ देखना ऐ की है अज तू ऐसे हथों नहीं बच सकती। हाय मौला बख्श क्या कर दी कि सोनी है तेरी बॉटी पर ए ते दस ए
किता कदोई ए तू हुणे दसेंगी मेरे हवाले कर दो पहलो मेरा जुर्म तो दसो जुर्म सेठ हाकम दा कत्ल ते जिम्मी उते कातलाना हमला तोड़े कोले दा की सबूत है ओ दा बयान जड़ा उन्हें तेरे हाथों कत्ल होन तो पहला थाने आके मेरे सामने देता सी ए कोई सबूत नहीं साहब पहला उस मुर्दे दे बयान ते अंगूठे दे निशान मनु वखाओ फिर मैं आप गिरफ्तारी दे दिया तो ते की तेरे वड्डे भी गिरफ्तारी देन हाली बोल जे कल वड़े तक चलेगी तो बड़ा वड़ा फतूर मच जाएगा सुनाए अनोंद शिकंजे चाय आया कोई भी मुजरे मैं कदी नहीं जान देता जे कर लेते फिर तेरा मेरा जुद जरूर पवेगा साहब बस ना होए तेरा तो मैं मार पंजा वेख के खुश हो रही है हिलन की कोशिश ना करी हूं वेखना तो किस तरह बचना है लै चलो थाने भाई की होया है जे पुलिस ने माला बख्श को गिरफ्तार करके जेल भिजवाता है और समझ लो तकदीर ने दोनों माला बख्शों को वक करता है कल साडा यार रमजाना जेलो रिहा के बाहर है उन्हें इतला भिजवा दो कि जेलो बाहर आने तो पहले वो जेल में माला बख्श की लाश तक नजर ना देख जाए मेरा राह क्यों डकिया जे ए मेरे को पुष्पति है
तैनू मैं दसना वा दुश्मन होवे ते तेरे वर्गा इनू 14 साल बाद मेरी शकल याद है मैनू तेरा एक ही एहसान याद है दुश्मना शौकत ते हाकम दे एहसान मैं बाल ला के आया ते तेरा एहसान मैं अंदर लावांगा ना 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 एक कम तेरा नहीं एक कम साडा साडा कल साड़ी रिहाई का दिन ने असी भी कोई निशान छड़ जाइए ना ऐस जेल पहला दसेगा ते निशान मिटांदा कौन है ते लांदा कौन है ग्रुप का खून ही नहीं ये खून ना मिले तो किसी गरीब माता पुत्र मर जाएगा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो तो उस पुत्र की जान बचा लो जिसकी मां तो बेखबर है ठीक है आओ मेरे नाल
चिट्टी मेरा छोटा भरा तारक है। तू कैसे? मैं तो बेगम शरीफ से बच्चे की खबर लेना है। पर ऐसा वारस ने जिंदगी मौत की कछों का सिचुएट के एक कदम यकीन नहीं चुक सकी। पर चाहे कोई चीज कीता अपने खून का आखिरी कतरा दे के भी अपनी जिंदगी बचाना। नेशी करण तो पहला ऐसे सोच लेना सी मां के बदमाश तेरे पाकिजा लोग दे काबिल है जी के नहीं। मां ना होती तो खून देन तो पहले जरूर सोच ली। पर मैं ते एक बच्चे पुत्र की मां माता रेख ते है ऐसे मैं मेरे बख्शू वर्गा लगता है। ऐसी गलों का बुरा ना मनना ही पुत्र ने तेरे सीने च मां का नहीं कानून का दे इंसान के जज्बात में खुद हालात देख के सोचता जो कुछ भी कह रहे हैं कह रहे हो मां जी हम डिप्टी सानू प्यार लगा है इसलिए कि तुहाडे खून की नस्बत नाल डिप्टी नाल साडा भरा का रिश्ता है। नहीं ओए जुर्म ते कानून का रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। हवलदार जफर इसका निगरानी रखना। ओके सर मैं हमें वापस आ रहा हूँ। चल मां मैं तेनों गड्डी तक छाड़ा हूँ। खबर से कसम रखा दी तेन अपने सीने का लाया बगैर पचार नहीं देना। जिमी गड्डी रोकी की गल खैर जिमें कले पिछे लाए जिमी तेरे दोस्त डीएसपी नाल माई माँ जी तुसी कार चलो मेरी इतनी ड्यूटी है मैं जरा लेट आवा। तारक की माँ है अब्बा। तारक की माँ है एदा मतलब यह होया कि मौला बख्श डीएसपी तारक का भरा सी। चल फिर जिमी ए खुशखबरी चल के रमजाने सुनाई। कोई गल नहीं चापर खान जे मौला बख्श नु मार दिता है ते ओदे भरा डिप्टी नु भी मुका देंगे। ठीक है चाचा तेरे डेरे ते आए ना शबाब है ना कबाब है। भतीजे जिन्निया रौनक कमेगा उन्हीं ही लवा देंगे। सलाम सरकार अली शबाब भी हाजिर ते कबाब भी हाजिर ते चटनी तुसी आप बनाया ना। कौन आए तुसी इत्थे की लैण आए हो? चौधरी साहब अस्सी हजार दे मराज सिंह तानू लभदे लभदे इत्थे आ पहुंचे। सानू पता लगा कि सरकार ने आंदे इकरार कीता है बस ओदी खुशी च इसी महफिल सजाण दियां इजाजतां चाहने आ। ओए तुसी महफिल की सजानी है जाओ तफा जाओ। ना 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 चौधरी साहब वो महफिल सजाण दा समान ते बाहर पे है वो नाल असीं इसलिए नहीं लिया कि तानू खबरदार कर दईए कि तुसी अपना बच बचाओ कर लो। वाकई मोरनी वर्गी है जरा शक्ल ते वखा। गल शहजादी साढ़े शेर की सूरत वेख के तू की सोचने लग पी है।
सोच रही हां तेरे दोवां चो पहले किन्नू मारा तैनू या ना दोवां नू मेरे ख्याल च इना दोवां नू छड पहले मैनू मार ले तेरा मेरा की मुकाबला बाऊ छैली मेरा जोड़ ते विच कारला है मैं ते पहले एनू टेर करांगी गली बातें नहीं कुछ करके दिखाएंगी ता मन्नांगे फिकर ना करो जगीरदारो अज एहो जिहा हल्ला गुल्ला करांगी कि तुहाडी सब दी तौबा तप करा देंगी गोली मेरे सीने से मारना भी तेरी अदा है ऐदा ऐदा नहीं तेरी कदा है चाबे खां एना अखां च वेख एना तैनू और गरीब प्यो दे इंतकाम नजर आएगा जिदा ना दिल सी तू डिगरी दी है आहो मैं दिल दी हां ते मौला बख्श दा प्यारा मौत बन के आई था मौला बख्श दे दुश्मन दी पर तकदीर ने मैंने मेरे प्यो दा कातिल मिला दिता है और नहीं ऐ कभी भी नहीं हो सकता हाँ औरत इंतकाम लेने लई मर्द ते पैदा कर सकती है पर अपने हथी इंतकाम नहीं ले सकती फिक्र ना कर जाबर खान तैनू मैं अपने हथी मारांगी नहीं अब जी ये तोहफा मैनू दे दियो ना ना पति जी एक गन तुहाडे काबिल नहीं इनू मेरे हवाले कीता जाए ठीक है तोहफा सी तैनू दिने और पुत्रा लै बे चाचा तेरी ते लाटरी निकल आई तू हुण ऐश कर हसी छन्ने तू अपनी खैर मना पे करता तू मैनू दबड़ मारे मैं तेन हम आखा मेरा नाम बिजली है जिन्हू करंट मारा ओनू होश नहीं आती तू मैं जे तू एक बारी मेरे तो बच गए तो फिर मौत के मुंह जा गए तू सिर्फ मौत का ना सुने आज मैं तेनु मौत बखावांगा ओए आज तेरा जाम है सारी Thank you.
फिर कर दे ओए। बेटा जी एदिया आनिया दसदिया ने कि मौला बख्श इन ही आना चाहिए सी। मौला बख्श नहीं आए बैन का इंतकाम आख चावल खान इंतकाम बाप ही बाप बड़े गल खूब दुश्मन ने भाई और तेरी भाई है चावल खान आज तेरी तौड़ ला के इना सारे को बचना तेरे लिए बड़ा मुश्किल है। आ मौला बख्शनल मुश्किल कुशा होवे ते मौला बख्श लई कोई मुश्किल मुश्किल नहीं। ओए जे गल है ते बारिए ते बुरे फल कर लाए आज तेनू इथों बच के नहीं जाना चाहिदा। Yeah.
नहीं माला बख्शा सब अपने वास्ते एक बारी मैं छोड़ दे नहीं तो मैं दुश्मन एक बारी फिर अपने अंजाम तो बोल देगा तू अपने अंजाम की फिक्र कर गिरफ्तार कर लेनू नहीं साहब आज तक पंजाब की धरती ने साढ़े तो वड्डा कातल पैदा नहीं किया खान बहादुर तुसी जगावर मलिक ने एक आवाज मार दे जगावर मलिक मौला बख्श एक बारी नहीं 101 बारी कतल करके ताते पैरों च लिया के सुट देना सारे फ्रंटियर शाका खान का नाम दहशत का निशान है खान बहादुर असी अख दी गोरी नाल बंदे दी जान कट लईए ते तुसी पुत्र ते यार मरवा के भी सानू याद नहीं कीता ओ एसपी दोस्तों जे मैं अपने तिना दुश्मनों नू कठिया करके अपने हथी ना मारिया ते मेरे लौच लगी हुई अग ने ठंडा नहीं होना जे गल खान बहादुर फिर मौत का घेरा उन्हां नू असी पा लैने आ ते उन्हां दी जिंदगियां दा खराब तुसी आप कर देना ते फिर मर गई जे सदी का बेहतरीन आदमी है मेरे ख्याल में आपको इनको सतारा जुड़ देना चाहिए हेलो डिप्टी तारक है अंकल तुसी अंकल नहीं अपनी मौत आखो जी मेरे मरण तो बाद तेरे नाल हर रिश्ता खत्म हो गया है की कह रहे अंकल तेरी हवाला तिच मौला बख्शे तेरे नाल दियां गोलियां मेरी बंदूक च ने जे ओ जेल चला गया ते तेरा कानून उन्हें फायदा देगा पर मैं चाहना मैं उन्हें आप मारा इसलिए मौला बख्श मैनू दे दे मौला बख्श मैनू दे दे डिप्टी ये कभी नहीं हो सकता मैनू पता सी तेरा यह जवाब होएगा इसलिए असी तेरी एक बड़ी वड्डी सिफारिश का इंतजाम किया है ले माई जनते अपने पुत्र ने गल कर तारक बेटे तुसी कितों बोल रहे हो मैंने एक चुक के ले आई ते मौला बख्श नु मारना चाहते ने ते जे मेरी सुने मौला बख्श इन्हां दे हवाले ना करी मैं तुहानू कुछ नहीं होन दिया टिप्टी तारक तेरी मां मौला बख्श दी जिंदगी बचाण लई अपनी जिंदगी गवाना चाहती है याद रख जे तू एक घंटे के अंदर अंदर मौला बख्श तू लैके सुरख पहाड़िया ते ना पहुंचा तो ठीक एक घंटे बाद तेरी मां की लाश इस थाने पहुंच जाएगी माई जनते तेरा पुत्र मेरे दुश्मन मौला बख्श चले आए चले आए मौला बख्शा Thank you.
माई जनते चाह पुत्र मिल ले। चलो जिंदगी दे देवेगा और मैं ही मरांगी। नहीं माजी कल सुन जनते कली तू ही नहीं तेरे नाल तेरे तो मैं पुत्र भी मरन गए। मेरे तो ही पुत्र ऐ की कह रही है जाबर खान एनु गौर नाल देख जनते ऐ मौला बख्श तेरा पीछे आया बख्श हुई मौला बख्श मेरा प्राय हाँ दिप्तिया मैं सारा ड्रामा इसलिए किया सी के तानो तिना नु कठिया करके मारा। नहीं मां नहीं जाबिर खान एक ड्रामा मेरे नाल तू किया है ते दूजा ड्रामा तेरे नाल मैं करांगा। एनु बख्शु दी कसम है मां ए ड्रामा तू ऐसे ही खलो के देखी तो कानून एडा कमजोर किवें समझ लिया सी जाबर खान। कानून मुजरिम फड़दा है छड़दा नहीं वेख नु गौर नाल ए मौला बख्श नहीं शगिर्द है मौला बख्श दा देख लिया जाबिर खान मुजरिम किन्ना भी चला से ताकतवर क्यों ना होवे कानून को नहीं बच सकता। हाँ दिप्ति तू है चाल चल के अपने मात को बड़ा औखा कर लिया ओए आज तो मैं सिर्फ कानून ही नहीं मौला बख्श किया अब बताओ अपने आप नो कानून दे हवाले कर दे। Thank you.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ एक नजर अपने रिश्तेदारों का ली देख लो। है सब पकड़े गए? शुक्र है मैं तो बच गया। अरे मुंडियो एना सारे नु टेर करते हो ते रह गया मला बस थाने से पुका देंगे। जाबर खान वे तेरे जुलम की अखीर करने ली आज मेरे पुत्र की आड़ियां देख ले। मालो बच्चा मैं तेरा हशर नजर कर देंगा। है जंगे अजीम शुरू। रही ये अच्छा डांस नहीं करता अब करेगा। खबरदार जो कुछ आगे कर दे। मेरे को तो है कुछ है मैडम। अबे गंजी मार के बेटे लड़की को डॉट कराता है।
क्या बताऊं उस्ताद माना पकता मां को बेटा मिल गया बोस्की को पुलिस मिल गई बिजली को सोच मिल गया दुआ करो सब हाथ उठाकर दुआ करो मुझे भी कोई पुरानी तोप मिल जाए